जनाब स्पीकर, आई मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस अ बिल फर्दर टू अमेंड द लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल एक्ट 1973, द लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल्स अमेंडमेंट बिल 2020, सेक्शन 5C। मोहसिन दावर साहब, इसकी तफसील भी बताएं मौजूदा अरकान को। जनाब स्पीकर, इसकी मुख्तसर तफसील ये है कि हमारे बार काउंसिल्स एक्ट में एक लॉ ऑफिसर अगर इनरोल होते हैं किसी भी इदारे में और उसकी प्री रिक्विजिट्स में भी अगर ये हो कि ही हैज टू, मतलब उसकी लीगल एक्सपीरियंस उसकी प्री रिक्विजिट्स में भी हो, तो उसकी एक्सपीरियंस सीज हो जाती है। तो हम मुतालबा ये करते हैं कि उसकी कंटिन्यूएशन होनी चाहिए, बेशक वो उसको उनको ये इख्तियार ना हो कि वो अदालतों में पेश भी हो, लेकिन इस हद तक उनको उनके उनकी जो बार काउंसिल की मेंबरशिप है उसको इंटैक्ट रहना चाहिए और उसको उसकी एक्सपीरियंस को भी काउंट होनी चाहिए, क्योंकि वो एज अ लॉ ऑफिसर ही मतलब उस इदारे में दाखिल हुआ है, तो उसका तजुर्बा है जो उसको भी काउंट होना चाहिए। सही जी। जी जनाब, मोहतरमा मलिका बुखारी साहबा, क्या आप इसकी मुखालफत करती हैं? थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, फाजिल मेंबर ने जो बिल पेश किया ऐवान के अंदर, हम इनकी मेहनत और काविशों का एतराफ़ करते हैं कि बड़ी मेहनत से प्राइवेट मेंबर्स बिल लेके आते हैं, तरामीम पेश करते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, बट अनफॉर्चुनेटली इनका ये जो बिल है, हम दो वजूहात की वजह से अपोज करें। पहले तो इस बिल की जो लैंग्वेज है वो क्लियर नहीं है, दूसरा इनके बिल के अंदर जो तरामीम प्रपोज हुई हैं इनके बिल के कुछ पार्ट्स के अंदर आपस में तसादुम है। एक जगह ये कहते हैं कि एक्टिव सर्विस कंसिडर होना चाहिए लाइसेंस के अजरा के लिए, और दूसरी तरफ कहते हैं कि एडवोकेट को प्राइवेट कैपेसिटी में अपेयर होने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये शिक के अंदर तसादुम है। इस वजूहात की बिना के ऊपर हम इनका जो ये बिल है इसको अपोज करते हैं, इसको ठीक करके बेहतर तरीके से ले आएँ तो हम इसको रिकन्सिडर कर लेंगे। सही जी। जी मोहसिन दावर साहब। जनाब स्पीकर, देखिए ना, वो तो हम इसलिए कह रहे हैं कि भाई अगर वो एक सर्विस में है तो वो तो फिर अदालत में पेश नहीं हो सकता, वो बार तो हमने इसलिए लगाया है। मेरे ख्याल में कुछ एतराजात अगर पार्शली है इस बिल पर, इसको कमेटी में भेज दें, वहां पर उस पर डिबेट हो सकती है। जी मलिका बुखारी साहबा, इस वक्त हम इस बिल को अपोज करेंगे, इसको ठीक करके हम डिस्कशन कर सकते हैं और फिर ये उसको लेके आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। सही जी। अब मैं तहरीक ईवान के सामने पेश करता हूँ। सवाल यह है कि वकला और बार काउंसिल एक्ट 1973 में मजीद तरमीम करने का बिल, वकला और बार काउंसिल्स तरमीमी बिल 2020 पेश करने की इजाज़त दी जाए। वो तमाम अरकान जो इसके हक में हैं हाँ कहें, वो तमाम अरकान जो इसकी मुखालफत में है नहीं कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब नामे है, लिहाजा बिल पेश करने की इजाजत नहीं दी जाती। जी काउंटिंग करें। जी जो इस मोशन के हक में है वो खड़े हो जाएं।